आज का जो दोस्तों क्वेश्चन है वो भौतिक विज्ञान पर आधारित है। चलिए इनको देख लेते हैं। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? ए समांतर प्रकाश पुंज, बी संसरत प्रकाश पुंज, सी अपसरसरत प्रकाश पुंज या डी सभी कथन सत्य है। इसका सही आंसर है बी संसरत प्रकाश पुंज। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और सीधा, सी वास्तविक और उल्टा या फिर डी आभासी और उल्टा। इसका सही आंसर है सी वास्तविक और सीधा। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है ए आयरिस द्वारा, बी नेत्र लेंस द्वारा, सी सीलियरी पेशियों द्वारा या डी कार्निया द्वारा। इसका सही आंसर है दोस्तों सी सीलियरी पेशियों द्वारा। किसी नेत्र का निकट बिंदु है ए 2.5 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 2.5 मीटर या फिर डी 3 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 25 सेंटीमीटर। आँखों की पुतली किस प्रकार कार्य करती है ए प्रावर्ती द्वारिका की भांति, बी द्रक तंत्रिका की भांति, सी पुतली की भांति या डी अन्य। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए प्रावर्ती द्वारिका की भांति। तो ये क्वेश्चन ये दोस्तों यहीं ख़त्म होते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।